ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਸਮੁੱਚਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਇਸ ਸਾਲ 19 ਮਾਰਚ 2022 ਨੂੰ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਇਸ ਕੌਮੀ ਤਿਉਹਾਰ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक चोपड़ा, आप देख रहे हैं सिटी हलचल। खालसाई जाहो जलाल का प्रतीक होला मोहल्ला पर्व इस बार भी खालसे की जन्मभूमि श्री अनंतपुर साहिब में धूमधाम से मनाया जा रहा है, जिसकी तैयारियां श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा युद्ध स्तर पर शुरू की गई हैं। तख्त श्री केसगढ़ साहिब सहित क्षेत्र के समस्त गुरुद्वारों व गुरु की नगरी को सफेद रंग से सजाया जा रहा है। बता दें कि 13 मार्च को श्री अनंतपुर साहिब में स्थित किला आनंदगढ़ से देर रात प्राचीन नगाड़ों की थाप पर अरदास के उपरांत होले मोहल्ले पर्व को शुरू करने की घोषणा तख्त श्री केसगढ़ साहिब के जथेदार की मौजूदगी में की जाएगी और 14 मार्च को कीरतपुर साहिब गुरुद्वारा साहिब में अखंड पाठ साहिब रखवाने के साथ ही होला मोहल्ला पर्व शुरू होगा और 16 मार्च को अखंड पाठ साहिब के भोग डालने के उपरांत 16 मार्च को ही कीरतपुर साहिब से जय पर्व समाप्त होगा और उसके उपरांत 3 दिवसीय होला मोहल्ला पर्व 17 मार्च को तख्त श्री केसगढ़ साहिब से अन्य गुरुद्वारा साहिब में अखंड पाठ साहिब रखवाए जाएंगे और 19 मार्च को रखवाए गए अखंड पाठ साहिब के भोग डालने के उपरांत मोहल्ला सजाया जाएगा। पहले सुने क्या कहा तख्त श्री केसगढ़ साहिब के अतिरिक्त मैनेजर एडवोकेट हरदेव सिंह ने। होली गिनी संत सेव रंग लागा अत लाल देव, होला मोहल्ला हर साल की तरह ही इस साल भी खालसा पंथ वालों जाहो जलाल नाल मनाया जाएगा। जिस तरह के 13 मार्च को होले मोहल्ले की आरंभता पुरातन रवायतों अनुसार किला आनंदगढ़ साहब विखे नगारियां की चोट से आरंभ किया जाएगा। इस तरह 14, 15, 16 तीन दिन कीरतपुर साहब, 14 को अखंड पाठ साहब आरंभ होणगे ते 16 को भोग पाए जाएंगे। इस तरह श्री आनंदपुर साहब खालसा जी के पवित्र अस्थान विखे 17 तो लैके 19 तरीक तक होला मोहल्ला आरंभ होगा, जिस विच श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों बहुत बहुत वड्डे पद्धर से प्रबंध किए जा रहे हैं। गुरुद्वारा साहिबान का रंग रोगन सरावान का लंगर का आदि जो प्रबंध है श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान जथेदार हरजिंदर सिंह जी धामी वालों उन्होंने वालों हुए दिशा निर्देशों अनुसार सारे प्रबंध मुकम्मल किए जा रहे हैं। इस तरह 19 मार्च को जो मोहल्ला तख्त श्री केसगढ़ साहब तो आरंभ होकर पड़ा दर पड़ा हुंदा होया किला आनंदगढ़ साहब गुरुद्वारा शहीदी बाग दे रोड तो हुंदा होया माता जीतो जी दे स्थान ते नतमस्तक होण तो बाद दोबारा तख्त श्री केसगढ़ साहब विखे संपन्न होवेगा। देश विदेश से हजारों की संख्या में आने वाली संगतों को किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े और रहने खाने सहित अन्य सुविधाओं को मुहैया करवाने की व्यवस्था श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी द्वारा की जा रही है। सुने क्या कहा तख्त श्री केसगढ़ साहिब के हेड ग्रंथी जोगिंदर सिंह ने। सतगुरु जी दी अपार बख्शिश रहमत दा सदका होली कीनी संत सेव रंग लागा अत लाल देव दे महाबाका अनुसार श्री आनंदपुर साहिब जी की पावन पवित्र धरती से चढ़दी कला शानो शौकत दे नाल जाहो जलाल दे नाल ये होला मोहल्ला के समागम हैं जो हर साल बड़े प्रेम से चढ़दी कला दे नाल इस पावन पवित्र स्थान पर मनाए जाते हैं, जिस दे संबंधी कीरतपुर साहिब की पावन पवित्र धरती से 14 तरीक तो लैके 14, 15, 16 तीन दिन उत्थे होले मोहल्ले की आरंभता है, जिसकी आरंभता श्री आनंदगढ़ साहब के किले तो होगी, जिथे रात को 12 बजे नवे साल नानक साहिब कैलेंडर के अनुसार नवा साल मनाद हो 5 नगारिया चोटा लगा के होले मोहल्ले की आरंभता की जाएगी और उस तो 13 तरीक रात को 12 बजे आरंभता होगी, 14, 15 ते 16 तरीक कीरतपुर साहब की पावन धरती से होला मोहल्ला मनाया जाएगा, 17, 18, 19 तरीक न श्री आनंदपुर साहब तख्त श्री केसगढ़ साहब विखे होला मोहल्ला चढ़दी कला के मनाया जाएगा।
होले महल्ले के समागम मुख रखदिया होया साढ़े सत्कार योग प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी उन्हां वल्लों साढ़े पावन पवित्र स्थान तख्त श्री केसगढ़ साहब जी के जथेदार ज्ञानी रघुवीर सिंह जी उन्हां वल्लों मैनेजर सरदार मलकीर सिंह जी उन्हां वल्लों संगतां दे वास्ते उचेचे तौर पर विशेष तौर पर प्रबंध किए गए हैं और रंग रोगन की सेवा चल रही है और तैयारियां मुकम्मल चल रही हैं और संगतां नूं हाथ जोड़ के बेनती है कि संगत जी बड़े प्यार ते सत्कार चढ़दी कला दे नाल आप सब संगतां जिथे हर साल लखां दी गिणती विच आके पावन पवित्र स्थानां ते इन्हां समागमां विच हाजरियां भरदे हो उत्थे इस बार 2022 विच भी चढ़दी कला नाल देशां विदेशां विच बैठियां संगतां नूं बेनती है कि चढ़दी कला दे नाल श्री आनंदपुर साहिब विखे पहुँचो अते जो श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने पावन त्यौहार होला महला खालसे की झोई में पाया है वह असी प्रबंधकां अते संगतां संप्रदावां दे सहयोग दे नाल इस पावन पवित्र धरती ते चढ़दी कला दे नाल मनाईए। सर्वस संगतां नूं फिर दुबारा इस पावन पवित्र अस्थाना ते पहुँचण लई सविनय बेनती है जरूर प्रवान करने की। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी। हाँ जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आज हमारे बने फाग प्रभ संगी मिल खेलन लाग होली कीनी संत सेव रंग लागा अत लाल देव दे महावाका अनुसार दशमेश पिता धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज वालों बख्शिश किए हुए खालसे दे कौमी त्यौहार होले महल्ले नूं समुचा खालसा पंथ इस साल 19 मार्च 2022 नूं तख्त श्री केसगढ़ साहब श्री आनंदपुर साहब जी विखे बहुत ही चढ़दी कला दे विच मना रहा है जिस दी हर साल रवायत अनुसार गुरद्वारा किला आनंदगढ़ साहब जी तो रात के 12 बजे नगारिया ते चोटा मार के आरंभता की जाएगी। 14 मार्च नूं गुरद्वारा पतालपुरी साहिब कीरतपुर साहब जी विखे श्री अखंड पाठ साहब जी की आरंभता होगी। 17 मार्च 2022 नूं तख्त श्री केसगढ़ साहब जी विखे श्री अखंड पाठ साहब जी की आरंभता होगी और नाल ही गुरमत दीवाना की भी आरंभता कर दी जाएगी। 19 मार्च नूं दोपहर के ठीक 12 बजे तख्त श्री केसगढ़ साहब जी तो पुरातन रवायतों के मुताबिक पंज प्यारे साहबान की अगवाई विच बहुत ही चढ़दी कला नाल महल्ले की आरंभता गुरु चरणा विच अरदास करके की जाएगी। होली कीनी संत सेव रंग लागा अत लाल देव दे महावाकां अनुसार खालसे दे इस कौमी त्यौहार नूं आओ आपां सारे रल मिल के तख्त श्री केसगढ़ साहब जी विखे एकत्र हो के चढ़दी कला दे विच मना के धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज दीयां खुशियां दे पात्र बणीए। समुचे खालसा पंथ नूं खालसे दे इस कौमी त्यौहार होले मोहल्ले दीयां तख्त श्री केसगढ़ साहब जी तों बहुत बहुत वधाइयां। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी। सिटी हलचल के लिए गुरु की नगरी श्री आनंदपुर साहिब से करण चोपड़ा की रिपोर्ट।